और ये देखो क्या है, पपीता का पत्ता होता है उसका जूस है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और ये देखो सुबह सुबह मैं खा रहा हूँ पपीता, क्योंकि डेंगू में पपीता खाना पड़ता है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। तो सुबह सुबह ब्रश करके जस्ट छत पे आया हूँ और मुझे ये मिला है, तो मैं सोचा खा लेता हूँ इसको। और डेंगू में जो प्लेटलेट है मेरा 27,000 हो गया था, जैसे कि आपको पता है कि 27,000 पे आ गया था। तो इसको बढ़ाने के लिए, मतलब कि ठीक तो हो गया था, 88,000 पे मैं डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद मैं घर आ गया था, घर आने के बाद क्या क्या मैं खा रहा हूँ, पूरा दिन मुझे क्या क्या मिलता है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या खाता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैं आसानी से खा लेता हूँ, जैसे पपीता है और कीवी वगैरह है, ये सब आसानी से खा लेता हूँ। और भी कुछ मिलता है जो कि बहुत ही कड़वा होता है, वो मैं खा नहीं पाता हूँ। तो दिन भर में मुझे मिलता रहता है, मेरी सिस्टर है और मेरी मम्मी है, वो लोग देता है। तो अभी देखते हैं, पपीता खा लेता हूँ, अभी नेक्स्ट क्या मिलता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सो फिलहाल मैं आया हूँ छत पे और काफी धूप है, तो इसको खा के मैं जाऊंगा नीचे। अभी देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। इसको खाने के बाद शायद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, शायद नाश्ता करना पड़ेगा, शायद उसके बाद मिले। सो चलो खा लेते हैं इसको। सो गाइस, मैं आ गया हूँ नीचे, नाश्ता कर रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कि नाश्ते में क्या है। सो गाइस, ये देखो, ये है पालक का साग जो कि बहुत ही फायदेमंद है, और ये ऑमलेट है, और ये गोभी आलू की सब्जी, और ये जो देखो ये है रोटी, मकई का रोटी है, और ये गेहूँ का, मतलब गेहूँ का रोटी का पराठा है, और ये मकई का रोटी है, और ये पालक का साग। सो चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, मैं आ गया नाश्ता करके ऊपर, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या पीता हूँ। ये डेंगू में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, डेंगू के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ये प्लेटलेट बढ़ाने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। और ये है दूध एक्चुअली, और ये है बकरी का दूध, गाय का दूध नहीं, कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, बकरी का दूध है जो कि बहुत ही फायदा करता है प्लेटलेट को बढ़ाने में। तो ये मैं पी रहा हूँ, अभी मिला है नाश्ते के बाद। ये रहा बकरी का दूध, देख सकते हो। सो ये बकरी का दूध है और अभी मैं इसको पीऊँगा, और पीने के बाद इसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको एक एक करके। ये बकरी का दूध जल्दी मिलता नहीं है, बट गांव में जाओगे आप तो गांव में मोस्टली मिल ही जाता है इधर उधर से कहीं ना कहीं से। सो ये काफ़ी टाइम तक मुझे शुरू में जब मैं आया था घर पर तो मुझे नहीं मिला, बट अभी कुछ दिनों से पी रहा हूँ, मैं 4-5 दिनों से पी रहा हूँ। तो ये बहुत ही फायदे वाला चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी होता है प्लेटलेट को बढ़ाने में, बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो बकरी का दूध पी रहा हूँ मैं, और ये सेम टेस्ट है, कुछ खास अलग नहीं है, सेम टेस्ट है। सो चलो पी लेते हैं हम बकरी का दूध, और देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है हमको, और क्या पीता हूँ या क्या खाता हूँ वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो मैं दूध पी लिया, ख़त्म कर दिया अभी इसको, देखो। सो इसको ख़त्म कर दिया अभी, अभी जा रहा हूँ नीचे, अभी देखते हैं अगला क्या मिलता है। और जैसे ही मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ क्या क्या मिल रहा है, क्या पी रहा हूँ या क्या खा रहा हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ नीचे, काफ़ी धूप है ऊपर में, और मैं जस्ट इसको पीने के लिए और शूट करने के लिए आया था। तो मैं जा रहा हूँ नीचे, और जब भी मिलेगा मैं आपको बताऊँगा कि क्या है उसके बारे में, और ये कैसे काम करता है। सो गाइस, ये देखो, मैं यहाँ पे जस्ट बैठा था और बंदर यहाँ से निकल के अभी छत के ऊपर आया हुआ है, देख सकते हो उधर बैठा हुआ है, और बंदर के साथ उसका बच्चा भी है। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, और सारे बंदर होंगे आसपास में, बट वो दिख नहीं रहे हैं। देखो एक ठो बच्चा है, जूम नहीं हो पा रहा है, एक ठो बच्चा है, उसकी माँ है, देख सकते हो ऊपर गया। बेसिकली ये लोग खाने के चक्कर में आते हैं, कहीं पर खाना कुछ मिल जाए छत के ऊपर, और फिर इनको मिल जाता है, और ये लगभग आते ही रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना दिखे। सो गाइस, फाइनली टाइम आ गया है एक चीज़ और पीने का, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कड़वा रहता है, जो कि मैं पीना नहीं चाहता, बट मम्मी हमको डांटेगी उस डर से मुझे पीना पड़ता है। और वो क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये देखो, ये तो पानी रखा हूँ, क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखो क्या है, आप पहचान सकते हो, मैं बताता हूँ उसके बारे में ये क्या है। और ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक देख सकते हो। सो गाइस, ये जो है एक्चुअली जो पपीता का पत्ता होता है उसका जूस है, पपीते के पत्ते को पीस के उसका जो जूस निकालते हैं वो ये है, जो कि अभी पीना है हमको, ये लास्ट है। और ये बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही कड़वा होता है, जो कि मैं बिल्कुल पीना नहीं चाहता,
बट जबरदस्ती मुझे पीना पड़ता है, और बहुत ही अजीब सा मन हो जाएगा आपको पीने के बाद, मतलब पीने के बाद अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगा, बट जबरदस्ती पीता हूँ मैं, क्योंकि इसको पीने के बाद फिर पानी पीऊंगा या कुछ कुछ खा लूंगा। सो अभी मैं इसको पीऊंगा, और सुबह से मैंने दिखा दिया कि मैं क्या क्या खाता हूँ और क्या क्या पीता हूँ डेंगू के लिए, मतलब डेंगू में प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, डेंगू को ठीक करने के लिए क्या क्या मैं सुबह से खा रहा हूँ और खाता हूँ वो मैंने दिखा दिया। सबसे पहले सुबह में क्या खाया था, पपीता। उसके बाद फिर मैं खाना खाया, खाने में पालक का सब्जी था और ऑमलेट था, और अंडा बॉईल करके भी खाता हूँ, बट वो शायद अभी तक मिला नहीं मेरे को, शाम को शायद मिलेगा। और पपीता के साथ साथ कीवी भी खाता हूँ, कीवी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, बट कीवी सुबह से खाया नहीं, कल खाया था, आज मिला नहीं मेरे को, लगता है ख़त्म हो गया होगा। और उसके बाद बकरी का दूध पिया मैंने, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और जल्दी मिलता नहीं है, बट वो हमको मिल गया है तो वो भी मैं पी रहा हूँ। और फाइनली अभी जो टाइम आ गया है वो है पपीते का पत्ता का जूस पीने का। सो अभी मैं इसको पीऊँगा और देखते हैं कि मैं पी पाता हूँ कि नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही बार में पी जाऊँ, क्योंकि फिर दोबारा जो बच जाता है ना उसको पीना बहुत टफ होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही बार में पी जाऊँ और देखते हैं पी पाता हूँ कि नहीं पूरा, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही दे दिया ये लग, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब आधा से थोड़ा ही कम है। सो चलो पी लेते हैं इसको भी और ख़त्म करते हैं आज का कहानी पी के इसको भी, और पीने के बाद फिर देखते हैं कैसा क्या होता है, मतलब कुछ खाना पड़ेगा या फिर पानी से हो जाएगा, अभी खाने के लिए कुछ तो है नहीं तो पानी ही पीना पड़ेगा। तो चलो पीते हैं, आपके सामने ही पीऊँगा, तो आपको दिखाता हूँ कि इसको पीना कितना टफ है, बहुत टफ है पीना, मतलब अजीब सा हो जाता है, उल्टी जैसा। शुरू में जब पहला दिन पिया था ना मैं, तो उल्टी होते होते बच गया मैं, बट उल्टी हुआ नहीं, बट उल्टी होते होते बच गया, क्योंकि अभी थोड़ा आदत हो गया है तो मैं इजीली पी लेता हूँ, बट फिर भी एक बार पीने से पहले सोचता हूँ, मतलब देखता हूँ पीऊँ नहीं पीऊँ, पीऊँ नहीं पीऊँ। तो चलो अभी आज भी पी लेते हैं और पी के ख़त्म करते हैं इसको, चलो शुरू करते हैं। बहुत ही खतरनाक स्मेल भी अजीब सा आ रहा है, स्मेल भी अजीब सा आ रहा है, बट पीते हैं, कोई नहीं पीना ही है। देखो कितना अजीब सा है मतलब ये, बट चलो पीते हैं, पीना तो है ही। बहुत खतरनाक है यार, बहुत डेंजर है, बाप रे। अभी इतना है, थोड़ा ही पी पाया मैं, ज़्यादा भी नहीं पाया, बहुत ज़्यादा दे दिया है आज ये लोग। मन नहीं कर रहा पीने के लिए, सेकेंड टाइम पीने का मन नहीं करता है, अजीब सा हो जाता है। पानी पीते हैं, दिमाग हिल गया, अजीब सा हो रहा है एकदम, बहुत बेकार, कुछ खाने को भी नहीं है, उल्टी जैसा हो रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगा। अभी इतना बच गया है, अभी मैंने पीने वाला नहीं हूँ मैं, ये मेरे बस का नहीं है, बहुत ज़्यादा था, इतना था, मैं पी गया 75% पी गया, अभी थोड़ा सा है तो उसको मैं फेंक दूंगा, या फिर देखूंगा पीना रहेगा तो पीऊँगा बाद में, अभी तो नहीं पी पाऊँगा। और जब ढकार आता है ना, ढकार, तो उस टाइम वो भी आता है साथ में, तो वो और अजीब सा मन हो जाता है, लगता है और उल्टी जैसा हो जाता है, बहुत बेकार, अजीब सा एकदम, इतना इतना करवा है, मतलब नीम जो होता है ना, नीम का पत्ता, उससे भी बेकार है ये, मेरे को ऐसा लग रहा है, उससे भी बेकार है, बहुत ख़राब है। बट ये बहुत फ़ायदा करता है प्लेटलेट बढ़ाने में, तो अभी मजबूरी है, पीना ही पड़ेगा। अभी अगर मम्मी को दिखाया ना कि मैं आधा पिया हूँ, इतना थोड़ा सा बचा दिया, तो मेरा अवार्ड लग जाएगा।
इसको मैं फेंक दूंगा इधर ही छुपा के अभी कहीं। सो चलो गाइस, पी लिया मैं अभी, देखते हैं थोड़ा और पानी पियेंगे और नीचे देखते हैं, जा रहे हैं नीचे, कुछ खाने को होगा मीठा उठा तो खाएंगे। भी मेरा मन जो है अजीब सा हो गया, मतलब उल्टी जैसा होने लगा है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें थी जानकारी के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइस, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले क्या क्या खाते हैं और क्या क्या पीते हैं डेंगू में। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये देखो गाइस, खा रहा हूँ मैं।